दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शराब घोटाला मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और विनय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो इस स्टेज पर जमानत के योग्य नहीं है। ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सभी सह आरोपियों की जमानत भी खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में प्रभावशाली पद पर रहे हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितम्बर 2022 में अंत में इसे वापस ले लिया गया था। सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में है। उच्च न्यायालय ने सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन्हें ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में है। उच्च न्यायालय ने 2 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधार पर जमानत की मांग की थी। हालांकि ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका का विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।